पेमेंट नहीं की तो हमारे हाथ से घर चला जाए। तुम्हें कुछ और मोहलत तुमसे लेनी चाहिए थी। इतनी जल्दी हम ये सब मैनेज कैसे करेंगे? मैंने रिक्वेस्ट की है लेकिन वो नहीं मान रहे। वैसे भी नोटिस पीरियड तो पहले ही आ गया था, हमने ही डिले किया पेमेंट को। बाकी कोई पेमेंट का आसरा हो? जिन जिन से पेमेंट चाहिए थी उन्हें मैं सुबह से ही कॉल कर रहा, कहीं ने तो फोन ही नहीं उठाया और जिन्होंने फोन उठाया तो उन्हें अगली डेट दे दी। मुझे लगता है कि अब हमें घर खाली कर। हमें अगर अच्छा ऑर्डर मिलेगा तो आई एम श्योर हम इस मुसीबत से निकल सकते हैं। कोई अच्छी कंपनी हमें ऑर्डर देगी ही क्यों? मार्केट में जो हमारी रेपुटेशन इस वक्त चल रही है उन्हें भी इसका अंदाजा है। उन्हें भी ये पता है कि हम उनकी डिमांड्स नहीं पूरी कर पाएंगे। हम उनकी डिमांड्स पूरी कर सकते हैं अगर वो हमें एडवांस पेमेंट देते तो। देखो अब कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो मैंने मार्क करके रखी है, मुझे उनसे बात करनी होगी। भाई जान अगर आप इजाजत दे तो मैं नीनू से बात करूं। नहीं नहीं वो अपसेट है, उसके बारे में नहीं सोच सकते। इस पैसे से निकालने के लिए उसे किसी ना किसी काम में इन्वॉल्व करना जरूरी है और मैं नीनू को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। उसमें वो स्किल पावर है जो हमें चाहिए। शी हैज अ वेरी गुड कन्विंसिंग कैपेबिलिटी और उसकी मार्केटिंग एजुकेशन और उसकी स्किल्स हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकते। हाँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे वक्त में उससे इस तरह की कोई फेवर ली जाए। भाई जान आप मुझे नाम और नंबर्स। अब यार मुझे नहीं लगता कि हम ये सब करके अपना घर बचा सकते हैं। अल्लाह बहुत बड़ा है, कुछ ना कुछ कर लेंगे।